सीपीआईएम नेता एमवाई तारेगामी ने कश्मीर में फैली अनिश्चितता पर चिंता व्यक्त करते हुए राजनीतिक स्तर पर इस मामले पर आत्म मंथन की जरूरत पर बल दिया। गौरतलब है कि घाटी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ स्थलों पर प्रदर्शन के दौरान नागरिकों की मौत पर काफी हो हल्ला मचा है। इस संबंध में मुख्य धारा के राजनेता एवं अलगावादी विरोधाभासी बयानबाजी कर रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए ये मेरी नजर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जो मुल्क की कयादत करने वाली लीडरशिप है, रियासत की कयादत करने वाली सरकारी लीडरशिप है। मालूम नहीं कि वो किस नज़र से मौजूदा हालात का जायजा लेते। मैंने यही दोहराया बार बार कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अपना मुहासबा करना होगा, जायजा लेना होगा और अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं कमी है, कहीं खामी है और कहीं बहुत ज्यादा संगीन गलतियां हो रही है अप्रोच में। तो इसी वजह से मौजूदा सूरत हाल ये डेथ काउंट्स का सवाल नहीं कि कोई कहे कि इतने लोग मिलिटेंट मारे गए, कामयाबी है, कोई कहेगा कि नाकामी है। भाई ये किसी की कामयाबी नहीं और किसी की नाकामी नहीं, ये एक दर्दनाक चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का। लोग मर रहे और इसी वजह से पॉलिटिकल कयादत के लिए ये जरूरी है कि भाई इस मर्ज का, इस दर्द का पहले खोज करें, गहराई में जाकर जायजा लें। सतही तौर नहीं, सतही तौर आप ऐलान कर सकते हैं, बड़े बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन तह में जाने की जरूरत है ताकि ये पता लगे कि आखिरकार ये बार बार अनसर्टेनिटी जो हमारी रियासत में, खासतौर पर कश्मीर में कई दहाइयों से जारी है, ये बार बार इरप्ट क्यों हो रही है। और आज की सरकार अगर ये कहे कि हमने कमाल किया, उधर किया, इधर किया, मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा कि पिछले 90 से लेकर आज तक देख लीजिए कितने मौके मिले जहां कंट्रोल हुई सिचुएशन, जहां मैनेज हुई सिचुएशन। और इस कंट्रोल में यह तकाजा था कि हल ढूंढते पायदार अमन के लिए एक ऐसा तस्फिया, उस जानिब, उस सफर की जानिब कुछ कदम उठाए जाते ताकि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये टकराव, कंपिटिटिव क्लेम्स कश्मीर के बारे में, कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड, ये खत्म हो जाए। कश्मीर में जो ये साइकल्स ऑफ वायलेंस है, इन पर रोक लग जाए। ये तभी मुमकिन है जब पॉलिटिकल लीडरशिप मुल्क की वो अपनी जिम्मेदारियों को संभाले। लेकिन अफसोस ये है कि आज की लीडरशिप वो उनका नुक्ते निगाह जम्मू कश्मीर के बारे में, कश्मीर की सिचुएशन के बारे में, वो उनकी एक ऐनक है, छोटी सी ऐनक है, छोटी नजर है, वो इसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला समझते हैं। दीवान देवी हायर सेकेंडरी स्कूल एम्स टू कल्केव इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी, ट्रस्ट, टॉलरेंस एंड कंपैशन टू प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड फॉस्टर अ साइंटिफिक टेंपर विद इन द बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमनिज्म। Affiliated to J&K Board of School Education. Admissions open from pre-nursery to 12th class. Diwan Devi High Secondary School, Rajpura, Shakti Nagar. GK Update. Update rahein hamare saath.